सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मेरे भाई आगे भी अच्छे रहना। तो स्वागत है हमारे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इवो एमोनेटेड 7 को फुल मैक्स, वो भी कम से कम डायमंड के अंदर कैसे कर पाओगे। तो मैं आपको 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही कम डायमंड के अंदर अपने इवो एमोनेटेड 7 को मैक्स करोगे। अगर आप भी मैक्स करना चाहते हो तो आपने बहुत ही बढ़िया वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जिससे कि आप कम से कम डायमंड में जो अपना जो है एमोनेटेड 7 मैक्स कर लोगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड हर एक न्यूज, हर एक टिप्स एंड ट्रिक सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो गाइज, उसी ट्रिक के अंदर से मैंने एक ही को फुल मैक्स कर लिया। देख सकते हो मेरी हर एक गन मैक्स दिखेगी आपको, MP40 मैक्स है, स्कार भी लेवल 6 की होने वाली है और इसको भी मैक्स कर लूंगा। एक्समेट भी देख सकते हो, उतना फेवरेट नहीं, मैंने फिर भी इसका लेवल 4 कर दिया है। और उसके साथ साथ M10 देख सकते हो, इसको भी मैक्स कर लिया। ठीक है गाइज, तो वही ट्रिक है जो मैं ट्रिक आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल ट्रिक से। तीनों के तीनों ट्रिक्स मस्त ट्रिक है और ये ट्रिक आपको जानना जरूरी है। तो चलो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है और कैसे ये ट्रिक जो है आपके मतलब गेम में वर्क करेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद क्या करते हैं बहुत सारे बंदे, मतलब एक दो टोकन खरीदते हैं, कभी क्या करते हैं अगर बॉक्स क्रिएट्स कर देंगे तो 4-5-10 कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपके पास डायमंड जो है डायमंड कलेक्ट करना है। ठीक है, डायमंड आप अगर आप कलेक्ट करते हो तो सीधे आपके कितने 2000 डायमंड के खरीदने होंगे, मतलब 2000 डायमंड का अगर क्रिएट्स लेते हो तो आपको 700 का यहाँ पर देख सकते हो डिस्काउंट कूपन आपको दिख रहा होगा ना। अगर आप स्पेंड करते हो स्टोर में कोई भी आइटम खरीदते हो 2000 डायमंड का, तो आपके उसमें से मतलब कि 700 यहाँ पर देख सकते हो 700 का डिस्काउंट लग जाएगा। यहाँ पर 700 का डिस्काउंट कूपन लगा लोगे और यहाँ पर डायरेक्टली आप 50 बॉक्स ले पाओगे। ठीक है, तो आप कोई भी गन्स का क्रिएट्स ले सकते हो, जैसे इवो एमोनेटेशन कोई भी इवो गन का वहाँ पर ले सकते हो क्रिएट्स, और आपको आपके जो है 700 डायमंड बच जाएंगे। जहाँ आपके 2000 डायमंड लग रहे थे 50 क्रिएट्स के, वहाँ मतलब 1300 के अंदर ही ले लोगे। और ये करना क्या है, वहाँ से आने के बाद आपको सिंपली ये क्रिएट्स खोलने हैं और 500 मतलब आप देख सकते हो 50 क्रिएट्स हैं, 50 क्रिएट्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि 280 मतलब 250 और 280 के बीच में आपको टोकन्स मिलेंगे। तो इजीली यहाँ से आप 2000 डायमंड में ना बहुत ज़्यादा गन को लेवल 4 तक अपग्रेड कर पाओगे। तो ये ट्रिक सबसे ज़बरदस्त है, फर्स्ट वाली। देख सकते हो कितने टोकन मिल रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ट्रिक ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बात करेंगे अपने सेकंड ट्रिक के बारे में, तो चलो सेकंड ट्रिक के बारे में बता दूं। तो अभी इंडिया सर्वर में बहुत सारे ऐसे वेव इवेंट आते हैं, जैसे मिस्ट्री शॉप, लेवल अप पास वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें कि आपको जो है ना ईवो गन्स के क्रिएट्स देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो जैसे मिस्ट्री शॉप में यहाँ पर सिर्फ 11 डायमंड में, सिर्फ 10-11 डायमंड में, जो कि इस अपना जो ये क्रिएट का दाम है 40 डायमंड। ठीक है, मगर यहाँ पर आपको 10 डायमंड के अंदर देखने को मिलेगा, तो बचा कितना, 30 डायमंड मतलब कम लगने वाले आपके। तो 10 डायमंड स्पेंड करोगे आपको यहाँ बॉक्स मिल जाएगा, 10-10 बॉक्स आप ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर इतने बॉक्स परचेस कर रहे हो फिर ओपन कर रहे हो। तो यहाँ सेकंड ट्रिक है कि आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। अगर पेशेंस बना के रखोगे तो ऐसे आपको क्रिएट्स जो है ना मिस्ट्री शॉप वगैरह, लेवल पास वगैरह में देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके कम डायमंड खर्च होने के चांस रहेंगे। ठीक है, और थर्ड ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तीसरा ट्रिक भी। चलो सेकंड ट्रिक तो कंप्लीट हो गया, आप लोग समझ गए होगे आई होप। चलो थर्ड ट्रिक हमारा ये है कि अगर बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, गन्स तो ले लिए और इलाइट पास छोड़ते जाते हैं, बट आपको ऐसा गलती नहीं करना है, इलाइट पास नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो सबसे पहली बात, आप अगर इलाइट पास परचेस करते हो तो इलाइट पास आपका कितना पड़ता है, 500 डायमंड का। बट ऐसा नहीं है, अभी इंडिया सर्वर में क्या हो, डिस्काउंट में भी चल रहा है इलाइट पास, डिस्काउंट में भी चल रहा है। और यहाँ पर क्रिएट्स, गन्स के क्रिएट्स जो होते, देखो मैंने एक अपना खोला क्रिएट, 4 टोकन मिल गए। ठीक है, अगर यही खिलती आप स्टोर से तो 40 डायमंड के पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें ऐसे ही आपको 10 क्रिएट्स मिलेंगे, ईवो गन के 10 क्रिएट्स, तो 10 क्रिएट्स के दाम हो गए 400 डायमंड और इलाइट पास 500 का। अबे यार, तो इलाइट पास क्यों छोड़ना है, इलाइट पास नहीं छोड़ना है, इलाइट पास में आपको जो है ना 10 क्रिएट्स मिल जाएंगे और उसको परचेस कर लेना है। बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज रहते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत ही
यूजफुल होगी। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में ये ट्रिक कैसा लगा, और मैं इसी से हर एक घर मैक्स करता हूँ, आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय भाई लोग।